अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, उत्तराखंड के रुड़की में जहां साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना मुबारक है, वहीं से एक वीडियो सामने आई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वहीं एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम क्वांटम है, उसमें एक लड़की है जो नमाज़ अदा कर रही है। जब वह लड़की नमाज अदा करती है, नमाज अदा करने के दौरान उस लड़की के साथ क्या होता है, पहले आप इस वीडियो को देखिए तो फिर हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लड़की जो एक कोने में नमाज अदा कर रही है, इसी को देख करके किस तरह से बवाल मचाया जा रहा है, आप खुद देखिए। नाजरीन, आपने देखा, यह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि जब एजुकेशन के दौरान ये हाल है, तो जब यही बच्चे आगे चलकर आईएएस या आईपीएस बनेंगे तो देश में क्या करेंगे। और यहाँ पर इनकी गलती नहीं है, गलती है उन नफरती बाज की, उन नफरती चिंटुओं की जो धर्म का चोला ओढ़े आए दिन मंच में आकर खुलेआम हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाते हैं, उन्हें उकसाते हैं। तो आज के नौजवान क्या करेंगे, यही तो सीखेंगे। अब तो नौजवान तो छोड़िए, अब नफरत फैलाने के लिए 60-70 साल के बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। जो एक लड़की है, एक कोने में नमाज अदा कर रही है, उससे इन्हें क्या तकलीफ है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो उनका मजहब है, जो उनका स्लोगन है, जो उनका नारा है, जब कोई लड़की या कोई मुसलमान नमाज अदा कर दे या कुछ इस्लामिक काम कर दे तो इनको अपना धर्म, अपना स्लोगन याद आ जाता है। फिर ये लोग इस तरह से नारेबाजी करते हैं जैसे मानो उस लड़की ने एक कोने में नमाज अदा नहीं की बल्कि जघन्य अपराध कर दिया हो, जिससे अब यूनिवर्सिटी में जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। किस कदर ये लोग अब नफरत फैला रहे हैं, हमारा देश किस राह में जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।